जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू देने के दौरान जो है 1800 दरहम सैलरी है, उसमें आपका रूम रेंट का इतना हो गया, खाने का इतना हो गया, पानी का इतना हो गया, तो हमारे इंडिया में इंटरव्यू लेने आते हैं तो ऐसे तरकीब से जो है लेके जाते हैं। बहरीन में जो है आपको 100 बीडी मिलेगा, यानी कि 100 बीडी का अगर इंडिया मनी में बात करते हैं तो 22 से 23 हज़ार रुपये बनते हैं। ओमान में वही सेम रेट है, दुबई में भी सेम रेट है, आपका सऊदी अरब में भी सेम रेट है। दोस्तों, कतर सरकार ने जो लेबर की सैलरी अलाउंस की है कि आपको 1800 रियाल मिलेगा कतर में, ऐसा कतर गवर्नमेंट की अलाउंसमेंट है। ये अलाउंसमेंट कब हुआ था आपको 2020 में। 2020 के बाद जो है अलाउंसमेंट कतर की सरकार जो अलाउंसमेंट की है कि आपको हर लेबर को जो है 1800 दरहम मिलेगा, यानी कि इससे नीचे का सैलरी आपको कतर में नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअली में इस बात की सच्चाई है, क्या इस बात में सच्चाई है कि हर लेबर को जो है इंडिया मनी में 39,000 40,000 में मिलेगा, क्या इस बात में सच्चाई है? तो मैं इसी टॉपिक पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट सरकार जो हो कतर की वो सही है, लेकिन इसमें कैसे गुणागणित होकर जो है आपका मिनिमम सैलरी हो जाता है, ये इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ और भी अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, कतर की सरकार है 2020 में ही, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में 2020 में ही कतर सरकार ने जो है अनाउंस कर दी कि हर लेबर को 1800 दरहम मिलेगा, यानी कि अगर कोई इससे कम में आता है तो वहाँ की कतर सरकार जो है कंपनी के ऊपर जो है फाइन डाल देगी। तो ये तो अनाउंस हो गया, लेकिन जब भी हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी अगर इंटरव्यू जा रहा है तो इंटरव्यू जाने के दौरान आपका जो सैलरी लगता है, बेसिक सैलरी यानी कि 1000 लगता है लेबर के काम में। अगर लेबर में जा रहे हैं, हेल्पर में जा रहे हैं, तो आपको 1000 लगेगा। उसके बाद जो है 800 भी लग सकता है, 900 रियाल भी लग सकता है। तो ऐसे करके यानी कि सैलरी लगता है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कतर सरकार जब अनाउंस कर दी तो फिर जो है कंपनी क्यों नहीं दे रही है? तो इसमें देखिए क्या होता है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू देने के दौरान जो है आपको जो है दो एग्रीमेंट मतलब कि मिलता है। तो एक एग्रीमेंट होता है, उसमें जो लिखा रहता है कि 1800 दरहम सैलरी है, उसमें आपका रूम रेंट का इतना हो गया, खाने का इतना हो गया, पानी का इतना हो गया, तो चिलाना का इतना हो गया, ऐसे करके जो है आपका सैलरी मेंटेन करके जो है आपका बेसिक सैलरी जितना होता है, यानी कि 1000 होता है तो 1000 पर ला कर रख देंगे। तो आपको हर महीने जो है आपको 1000 दरहम ही मिलेगा, 1000 रियाल ही मिलेगा, आपको हर महीने 1000 रियाल मिलेगा। तो ऐसा यानी कि हमारे इंडिया में इंटरव्यू लेने आते हैं तो ऐसे तरकीब से जो है लेके जाते हैं। और खैर, मैं एक बात बता दूं कि लेबर की जो सैलरी है उतना नहीं है कहीं भी, कोई भी कंट्री में देख लीजिए। आपको जो है बहरीन में जो है आपको 100 बीडी मिलेगा, यानी कि 100 बीडी का अगर इंडिया मनी में बात करते हैं तो 22 से 23 हज़ार रुपये बनते हैं। ओमान में वही सेम रेट है, दुबई में भी सेम रेट है, आपका सऊदी अरब में भी सेम रेट है। यानी कि हर लेबर की अगर सैलरी की बात करते हैं तो हर कंट्री में लेबर का सैलरी सेम होता है, क्योंकि लेबर का जो है कैटेगरी कोई हाई लेवल का तो है नहीं, लेबर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो उसका भी सैलरी जो है एक बराबर मतलब रख दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है इस वीडियो में कि आपको लेबर की एक्चुअली में सैलरी हकीकत में कितनी होती है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में समझा दी अच्छी तरीके से, इसलिए जाइए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मतलब कि और भी अच्छी तरीके से आप लोग को मैं जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर जो है ज़्यादातर जो है वीज़ा के बारे में, पासपोर्ट के बारे में और भी तमाम गल्फ कंट्री के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।